कैसी ना, जब भी मैं इनको खाना देता था, ये खाना खाने के बाद इसको लाजमी उलटाता था और आधे पौने घंटे बाद इसको फिर भूख लग जाती थी। मैंने क्या किया, इसमें से खाना निकाल के ना इसको मैंने ऐसे ही रख दिया। मैंने कहा आओ और देखते जाओ। इसके अंदर भी रखता था ना, तो अब ये दरवाज़ा बिल्कुल बंद नहीं होता, थोड़ा सा देखो बाहर रहता है, तो कैसे इधर हाथ डाल डाल के ना ऐसे इसको खोल देता था। तो फिर मैंने इसको ना उल्टा ही दिया। मैंने कहा चलो तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए, ठीक है कैसी। अब आ जाते हैं इसकी बात पे, क्या माइलो क्यों दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो माइलो मैं लाया क्यों था। देखो मैं अपने लिए तो नहीं लाया था, मैंने तो नहीं खेलना था इसके साथ। मेरी कोशिश थी कि कैसे के चलो साथ फ्रेंड बन जाएगा, दोनों आपस में अच्छे खेल खुल खेल कर लेंगे, टाइम स्पेंड कर लेंगे। कैसे हर हर वक्त मेरा मुंह देखता रहता है, मेरा मुंह ना इसको देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हालात यहाँ तक आ जाएंगे कि मैं नहीं रख पाऊंगा इस वजह से। मेरी बस, वरना मेरा दिल नहीं करता। माइलो माशाल्लाह बहुत प्यारा है, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि मैं माइलो किसी को दूँ। खैर अब आ जाते हैं कि देना क्यों है ये पार्टीशन। अब हम छोड़े हैं, जा रहे हैं, कोशिश करूंगा ये आपको दिखाता हूँ। वो जो सामने बिल्डिंग है ना, अगर उसमें मिल जाएगा, उसमें ये है कि पार्टीशन में ना पेट अलाउ नहीं है। एक तो मुसीबत ये है ना, हर दूसरी बिल्डिंग की मुसीबत ये है कि पेट अलाउ नहीं करते वो। अब पार्टीशन में अगर पेट अलाउ नहीं है तो रूम लेना पड़ेगा, और रूम ले सकता होता ना तो मैं यही मैं छोड़ता। अब हमें इससे भी तंग पार्टीशन मिलेगी। ये पार्टीशन जहाँ तक ये दीवार नहीं, एक विंडो नहीं है, यहाँ तक इन्होंने कर देनी है, और छोटी छोटी, और इधर कर्व है, ये बेड इधर से इस तरफ भी नहीं आ सकता। और दूसरी बात, ये साथ वाले पार्टीशन जो इन्होंने बनानी है उधर बैचलर ले आने हैं, इस वजह से ये छोड़नी ही पड़नी है लाजमी। और ना भी बैचलर लाते मुझे छोड़नी ही पड़नी थी इस महीने तो। और फिर न्यू जगह जहाँ जाना है वहाँ एक बेड की जगह होनी है, और उसके आसपास ही कोई कार के ना, तो अब देखते हैं। अभी दिया तो नहीं है, मैंने उनको मना कर दिया कि अभी मैं एक दो दिन देखता हूँ, लेकिन अब उनकी तरफ से भी चिट्टा जवाब आ गया कि अब माइलो रह गई आपके पास। देखते हैं क्या करते हैं अब, अल्लाह ही बेहतर करे फैसला। फिर वो फैसला मैंने लिया है जो बाद में मुझे ही तंग करेगा, मुझे पता है। क्योंकि पहले भी रख के मुझे मुझे यही था कि चलो अल्लाह खैर करे, जॉब नहीं है, एक महीना नहीं है, दूसरे महीने आ जाएगी, तीसरे महीने आ जाएगी, लेकिन कैसी, नो। निकलो धोबी साले हो, निकलो विंडो खुली है, विंडो च छलंगा ला दो में। और एक और काम जो आप सब ने करना है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब कुछ करना है। टिकटॉक पे वीडियोस मैंने नहीं डालनी, नहीं डालनी, 2 दिन बाद एक डाल दिया करूँगा बस। सब जो भी ये व्लॉग देख रहा है नोटिफिकेशन ऑन कर लें, शॉर्ट भी इधर आएगी, लॉन्ग वीडियो भी यूट्यूब पर आएगी, ठीक है माइलो। ओए माइलो, ये मैं बिया का जूता पहन के घूम रहा हूँ क्योंकि बाहर ना हवा नहीं चल रही और नमी बहुत है, और नमी की वजह से ना फ्रेश भी, ये देखो ना गीला गीला सा हुआ, कीसियाँ बड़ी लगी हुई हैं इस वजह से, बाहर हमारा सारा गीला हुआ। दरवाजे को हाथ लगाओ ना बाहर की तरफ से, ये देखो गीला हुआ। कपड़े इधर हैंग हुए हुए थे सारे, मैंने सारे उतार के फोल्ड करके दराज में रख दिया। अभी हमने 4 दिन रह गए हैं, 5 दिन रह गए हैं, 5 दिन में ये बैग उतार के, पैकिंग करके, ये खोल के, सारा कुछ A to Z सामान हमने पैक करना है। और जाना कहाँ है अभी तक नहीं पता। अभी तक नहीं पता कि मैं कहाँ जाता हूँ कहाँ नहीं, इनको कहाँ भी लेकर जाता हूँ। बस देखते हैं, आप सब दुआ करें, बस लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ लाजमी करना, ठीक है। ये मैंने एक छोटी सी वीडियो सिर्फ बनाई थी डिटेल में कि आप सबके साथ शेयर करूँ, बस दबे दबे लफ्ज़ों में जो मैं आपको बता सकता था मैंने बता दिया। बाकी यूट्यूब पे लाजमी लाइक कमेंट शेयर करें, ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल का ऑन कर लें। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, कल से पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह प्रॉपर व्लॉग बनाऊँ। ओके टेक केयर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। माइलो क्या तेरे रोले पे नहीं।